असम में बाढ़ के कारण लाखों लोग बेघर हैं और कईयों को इंतजार है कि कब बारिश कम होगी तो कम से कम घर वापस जा सकेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डिजास्टर मिनिस्टर ऑफ असम गवर्नमेंट जोगेन साहब। क्या है स्थिति इस समय और क्या सफल या विफल है आपकी सरकार? हम लोग तो सरकार कोशिश किया है पूरा मदद करने के लिए। अभी काफी डैमेज हुआ, ये कंटिन्यूअस रेनिंग जो हुआ 8 डेज, तब ये लैंडस्लाइड के बारे में मैक्सिमम पीडब्ल्यूडी जो रोड्स है ना, रोड डिस्ट्रॉय हो गया। ये सर्वे भी चल रहा है अभी, तब गोइंग ऑन। पीडब्ल्यूडी का टीम स्टेट गवर्नमेंट से कमिश्नर भी अभी यहाँ में है, एडिशनल इंजीनियर भी है, और यहाँ का वो CM, ये MSC, वो MLA, हम लोग सब है। अभी विमल बरा MLA भी साथ है। टुमोरो सिविल सर्विस विल कम हियर टू सी द ऑल डैमेज पोर्शंस, रिव्यू भी लेगा। हम ऑफिसर लोग को सब डिपार्टमेंट का, जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो सब डिपार्टमेंट का हायर ऑफिसर लोग को सब भेजा दिया फील्ड में डैमेज कैलकुलेशन करने के लिए, जो सर्वे करने के लिए। आप तो सर्वे की बात कर रहे हैं, जनता कह रही है हमको रिलीफ मटेरियल नहीं मिल रहा, हमको सामान नहीं मिल रहा है, कह रहा है सरकार कहाँ है? अभी तक तो जनता का जो कुछ ये जो हेलीकॉप्टर से हम लोग को विद द हेल्प ऑफ आर्मी, विद द हेल्प ऑफ पुलिस फोर्स, अभी हम लोग सब बाहर जोरहाट सिलसौर से ले ये हेलीकॉप्टर से ड्रॉपिंग किया है। हमें मेटेरियल कोई स्कार्सिटी नहीं है अभी तक, जो DC बोला जो तो 5 दिन के लिए तो मौजूद है, जो दाल आलू जो एम ऑयल मर्सराइज्ड ऑयल सब अवेलेबल है। ये कोई फील्ड में हम तो 3 जो हिबिर है ना, ये हिबिर के में पूछा लोग को कल जाके क्या स्कार्सिटी है, क्या कोई नहीं है, बोला ये सब ठीक है चल रहा है, अभी तक कोई स्कार्सिटी नहीं है, एसेंशियल मटेरियल्स अवेलेबल है यहाँ में, जब जरूरी होगा हम फिर ले आऊंगा यहाँ में। बात तो आप कह रहे हैं लेकिन सड़कें नहीं बनी है, रास्तों का जो हाल है, सामान पहुंचाया नहीं जा रहा है, दाम बढ़ रहा है, 100 रुपए की चीज इस समय 300-400 रुपए बिक रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? ये हम सप्लाई डिपार्टमेंट DC को हम कल पूरा इंस्ट्रक्शन दिया, कोई ये जो बिजनेसमैन है ना, इसको जो प्राइस राइज का कोई चांस ये इस टाइम में लेना नहीं होगा, जिसको पुलिस SP को भी हम बोला ये से नहीं चलेगा, ये पूरा हेल्प करना पड़ेगा। अभी तो रोड गुवाहाटी से मायबंग से यहाँ पहुँचने के लिए रास्ता खुल गया, ये नॉट हैवी व्हीकल, लाइट व्हीकल हमें चल रहा है अभी। ये तो जब एसेंशियल जरूरी होगा तो जो हेलीकॉप्टर से ये सब सामान यहाँ में ड्रॉपिंग कर दिया, कल भी है ये से भी आज भी चलेगा, ऐसा जो DC रिक्वायरमेंट देगा इसे चलेगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डिमांड ऑफ पब्लिक को साथ हम लोग है, गवर्नमेंट है, हम ये सब बोर्ड करने के लिए हम यहाँ में ही हम 2-4 दिन है यहाँ में। हम तो 16 ट्रॉप हम जो यहाँ का गार्जियन मिनिस्टर भी है, हम डिजास्टर मैनेजमेंट भी है, हम पूरा टीम लेके हम लोग बात कर रहे हैं ट्रेन की भी, तो यहाँ पर ट्रेन का जो हाल हुआ है पूरा कनेक्टिविटी खत्म है त्रिपुरा मिजोरम, सामान यहाँ से जाता है रोक दिया जा रहा है, जा नहीं पा रहा है, सवाल उठ रहे हैं। रेलवे डिपार्टमेंट से भी ये काम है, ये बात करूंगा, ये एक महीना का आगे कुछ नहीं होगा, रेलवे डिपार्टमेंट टू रिपेयर बा ये कंस्ट्रक्शन करने के लिए टाइम लगेगा थोड़ा, ये कंप्लीट डैमेज होगा ये स्टेशन जो हमारे न्यू हाफलॉन्ग स्टेशन पे, हम टुडे आई विल गो टू विजिट दैट स्पॉट। तो इसे चल रहा है जो हम लोग कोशिश किया है जितना टॉप से हेल्प करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हेल्प करना पड़ेगा, ये यहाँ सब गए सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जो होम मिनिस्टर हमारा जो होम मिनिस्टर से भी हमारे चीफ मिनिस्टर बात किया है, जो गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट का हेल्प होगा, स्टेट गवर्नमेंट का भी हेल्प होगा, ये MSC है जो ये काउंसिल में भी पूरा हम लोग मदद करूंगा, इसीलिए हम लोग ये कोशिश है, हम लोग सब जगह में आज विजिट करूंगा जहाँ जहाँ डिस्ट्रॉय है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्योर ड्रिंकिंग वाटर ऐसा जो पूरा ये आप कंप्लीट करने के लिए अभी करंट APDCL का भी काम चल रहा है, जो मिनिस्टर भी चल रहा है, लेकिन जनता को इंतजार है क्योंकि पानी बिजली सामान कम से कम उस मूल्य पर उपलब्ध हो जिस पर खरीद सके। कैमरा पर्सन सुबीर रॉय के साथ मनोज लोहिवाल, दीमा हसाओ, असम, ABP News।